हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कश्यप्स किचन चैनल में। आज की रेसिपी है केसर बर्फ़ी। ये बर्फ़ी बहुत जल्द तैयार हो जाती है और इतनी टेस्टी और सॉफ्ट होती है कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इन फेस्टिव सीज़न पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है, एक कप है ये। इसी से मेज़र करके हम दो कप ऐड करेंगे। चीनी लिया है मैंने आधा कप, इसे आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक चौथाई कप घी चाहिए। फ्लेवर के लिए लेंगे एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। और यहाँ पे मैंने 30 धागे केसर के लिए हैं, जिसे मैंने गर्म दूध में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह से वो सोख हो जाए और कलर आ जाए अच्छा। कुछ पिस्ता और बादाम लिया मैंने, जिसे फाइनली चॉप कर लेंगे इस तरह से। अब जिस बर्तन में हमें बर्फ़ी को सेट करना है उसके नीचे हमें बटर पेपर इस तरह से लगा लेना है ताकि जब हम उसे सेट करें तो आसानी से वो बाहर निकल जाए। ये देखिए, उसके बेस में इस तरह से बिछा दिया था मैंने। अब एक कढ़ाई में हम सबसे पहले घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हमने जो केसर को दूध में भिगा के रखा था वो डाल देंगे। और यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम लो रखा है। इसके बाद इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, ये दूसरा कप। और इसे अच्छी तरह से हमें तब तक मिलाना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। तो लगातार चलाते रहेंगे और ये 2 से 3 मिनट के अंदर स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, लेकिन फिर भी हमें लगातार चलाना पड़ता है इसे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। इसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखा है। अब इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। तो चीनी को आप पहले भी दूध में डाल के अच्छी तरह से डिसॉल्व करके मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे ऐड करने से मिल्क पाउडर की थोड़ी सी और भुनाई होती है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए, चीनी पूरी तरह से घुल गया है। कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगता है इसे मेल्ट होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्मूथ मिक्सचर बना है हमारा, ये देखिए। तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है जब ये सेट हो जाता है। तो फ्लेवर के लिए इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं। केसर और इलायची का पाउडर, दोनों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इसमें निखर के आता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने इसे और बस मिक्सचर हमारा तैयार है सेट होने के लिए। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमने जो बर्तन तैयार करके रखा था बटर पेपर के साथ, उसमें इसे ऐड कर देंगे इस तरह से। अब इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देते हैं, बिल्कुल एक सार होना चाहिए, ये देखिए। और अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल स्मूथ कर दिया मैंने इसे। ये देखिए, अब इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता लिया है, इसके अलावा आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो 4 घंटे के लिए इसे हमने सेट होने के लिए रखा था, तो अब ये सेट हो गया है। तो अब बटर पेपर को इस तरह से उठा लेंगे। तो आपने देखा कितनी ईजिली ये निकल जाता है, इसके लिए हम बटर पेपर ऐड करते हैं इसमें। अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं, जितने बड़े आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, साइड से एजेस बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन होके निकल रहा है। तो अब नाइफ से इस तरह से कट कर लेंगे, ये देखिए। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है। और बहुत आने के बाद आप इसे 1 वीक तक के लिए फ्रीज में रख के यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक्स पर क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।